हेलो फ्रेंड्स, मैं अद्वैत आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने गार्डनिंग चैनल पे। और ये जो आज आप सामने मेरे हैंगिंग बास्केट देख रहे हैं, तो आज मैं सोच रहा था इन सब की ट्रिमिंग वगैरह कर रहा था, सॉइल मिक्सचर इनका फिर से दोबारा थोड़ी सी खाद वाद दे रहा था, तो मैंने सोचा आज हैंगिंग प्लांटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप मेरे पीछे यहाँ पे देख रहे होंगे, ये बेबी टीयर्स का है, ये वाली बास्केट बेबी टीयर्स की है, ये टर्टल वाइन है, ये तो बहुत फेमस है, आपको हर घर में लगभग अब ये मिलेगी। और ये स्वीट पोटैटो वाइन है, और ये फर्न है, हालांकि ये हैंगिंग बास्केट में नहीं है लेकिन ये भी बहुत अच्छा चलता है हैंगिंग बास्केट में। और ये जेड है, तो जेड का भी, हालांकि जेड का बहुत हैवी है, इसको मैंने ऐसे ऐसे करके नीचे प्लास्टिक में जाली में करके रखा हुआ है। तो आइए इन पे आज बात करते हैं कि इनकी रख रखाव किस तरीके से करते हैं और इनका सॉइल मिक्सचर किस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि मैंने किस में लगा रखा है इनको, मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा। ये कोकोपीट की बास्केट्स आती हैं, मार्केट में भी मिल जाएगी, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। और ये जो इसके अंदर की ये लोहे की ही एक तरीके से बोल सकते हैं, बहुत पतला है, बहुत हल्का, बहुत लाइट वेट है। तो आप ये भी आप लोकल नर्सरी या ऑनलाइन आप ये दोनों चीज़ें मंगा सकते हैं। तो ये दोनों मीडियम मैंने यूज़ करे हुए हैं। और इसमें कुछ लोग, अब जैसे मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, देखिए इसमें आपको क्लियर दिखेगा। तो ये जो कोकोपीट की बास्केट है, आप इसमें चाहे तो बोरे जो आते हैं जिसमें सीमेंट वगैरह भरी होती है, या वो होता है, या ग्रीन नेट का जो होता है, आप अगर बहुत कॉस्ट इफेक्टिव, तो ये वाली जो बास्केट है आप इसको ग्रीन नेट के साथ भी बना सकते हैं। आप इसको चाहे तो जो सीमेंट के बोरे आते हैं, कट्टे आते हैं, उनमें भी करके आप इसको वो बना सकते हैं। तो वो वाली जो बास्केट्स रहती हैं, वो वाली बास्केट बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रहती हैं, लेकिन थोड़ा सा एक ड्रॉबैक होता है कि उसमें से वियर एंड टीयर बहुत जल्दी होती है। मेरी एक एक साल की ये सब वो सब ये कोकोपीट में लगी हुई है, तो इसमें वियर एंड टीयर नहीं होता है इतना। और उसका अगर आप कट्टे में लगाएंगे तो उसके जो उसका जो बोरे का रेशा होता है वो फिर निकलने लगेगा कुछ टाइम बाद, और ये उसके ड्रॉबैक्स होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप प्लास्टिक में लगाते हैं तो प्लास्टिक का गर्म बहुत जल्दी हो जाएगा, और प्लास्टिक का थोड़ा हैंगिंग आपको बहुत लूज़ बनाना पड़ेगा, सॉइल मिक्सचर बहुत आपको लूज़ बनाना पड़ेगा ताकि वो हैवी ना हो ज़्यादा, वेटेड ना हुआ। तो ये बहुत लाइट वेट होगा, आप देख रहे होंगे कितनी पतली सी डोरी पे लटका हुआ है, ये बहुत ही लाइट वेट है, तो आपको बहुत सॉइल मिक्सचर इसमें मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने प्लास्टिक का भी आपको बता दिया, प्लास्टिक का भी बना सकते हैं, बाकी सिरेमिक का कोई मतलब नहीं है और मिट्टी के गमलों का भी कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गई इसके पॉट की बात। अब आते हैं सॉइल मिक्सचर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको सॉइल मिक्सचर बनाना हो तो इसमें 50% आप कोकोपीट या मॉस, या आप इसमें सैंड ले सकते हैं, सैंड भी मत लीजिएगा, सैंड भी हैवी हो जाएगा, कोको पीट लीजिएगा। और ये सारे पेड़ देखिए ऐसे लगे हुए हैं जो कोको पीट में आराम से चलते हैं, बस थोड़ा जेड का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जेड में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है चलने में कोको पीट, बस आपको वाटरिंग का अगर आप ध्यान रख लेंगे तो वो भी चल जाएगा। तो 50% आप इसमें कोको पीट रखिएगा, 30% आप इसमें गार्डन सॉइल रखिएगा, और 20% वर्मी कंपोस्ट हो गया, काउडंग हो गया, या आपका बोन मील हो गया, उन सब का मिक्सचर बना के आप इसमें डाल सकते हैं। तो जितना हल्का मीडियम रहेगा उतना अच्छा रहेगा। और कोकोपीट इसलिए हम लोग डालते हैं ताकि बार बार इसमें, क्योंकि ये हैंगिंग रहेगा, कभी कभी ऐसी जगह होता है जहाँ पे बार बार पहुँचना मुश्किल रहता है, तो वहाँ पे पहुँचने में दिक्कत होती है, तो आपको कोकोपीट मॉइस्चर को होल्ड रखेगा, तो आपको फ्रिक्वेंटली वाटरिंग की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका वो बना सकते हैं सॉइल मिक्सचर। और इसमें अधिकतर ऐसे ही, ये बेबी टीयर्स का है, ये ब्राइट लाइट में मेरा रखा हो, देखिए मैं आपको बताऊँ, ये 1 साल का इसको हुआ है, और ये सिर्फ मैंने 2 कटिंग लेके आया था, 2 कटिंग से लगाया था। आप ये यहाँ पे देख रहे होंगे, ये इतनी बड़ी सी अगर आपको कहीं से कटिंग मिलती है तो ये कटिंग काट के आप लगा दीजिएगा, आराम से लग जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे से फैलता है, और कोई केयर नहीं इसमें करनी है आपको, कुछ भी केयर नहीं करनी है आपको, बहुत अच्छा इसमें चलता है, कोई फर्टिलाइजर नहीं देना है, इस तरीके की मिट्टी बनाइएगा कि कोई लिक्विड फर्टिलाइजर भी ना दें, क्योंकि इन सब में से पानी थोड़ा लीक होता है, तो ये भी एक छोटा सा ड्रॉबैक है। आप इसको ऐसी जगह लगाइए, अगर किसी गमलों के ऊपर लगाते हैं तो गमलों में ही पानी चला जाएगा,
या इंडोर थोड़ा मुश्किल होता है, तो इंडोर आप नहीं लगा। हाँ, मनी प्लांट वगैरह अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, या प्लास्टिक का लगाएंगे तो वाटर लीकेज नहीं होगा। तो कभी ओकेशनली आप घर के अंदर लगा सकते हैं, कोई फंक्शन वगैरह है तो उसमें चलेगा, वरना इन सब में से पानी हल्का सा लीक होता है, इसीलिए बहुत एरिएटेड रहता है, तो उसमें पेड़ खराब होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं रहते हैं। ये सब बात हो गई सनलाइट, मैंने आपको बताया ब्राइट लाइट के ये सारे पेड़ हैं, इंडोर्स 2-3 दिन रखिएगा, ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे, पत्तियाँ पीली पड़ के गिरने लगेंगी। ये फर्न का भी है, फर्न का भी मैं आपको दिखाऊँ, ये मिट्टी के ही गमले में है, तो ये फर्न का भी आप इसमें आराम से लगा सकते हैं, बहुत अच्छा चलता है फर्न का पेड़, तो ये सब आप इसमें लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनको सन की ज़रूरत नहीं होती। मैंने इसमें पॉर्चुला का भी लगा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि वो भी आराम से चल रहे हैं, तो वो फुल सन में मेरे रखे हुए हैं, वो 9 o'clock और जो पॉर्चुला का के पेड़ हैं। तो बस ये छोटी छोटी सी इसकी केयर टिप्स है। आप इसमें मॉस मिलाइएगा, मॉस भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, मॉस को 1 दिन पानी में भिगो के रख लीजिएगा तो वो फूल जाती है, तो वो भी मॉइस्चर रिटेन करती है। तो बस इस तरीके से इसका सॉइल मिक्सचर, इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट बता दी मैंने, वाटरिंग बता दी आपको, खाद बिल्कुल 6 महीने में एक बार अगर आप देना चाहें तो सारे अपने हैंगिंग प्लांटर्स एक साथ रख के सब में लिक्विड खाद या एक एक मुट्ठी कंपोस्ट दे दीजिएगा बस, और कुछ भी इसमें इतना ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है। इसकी कटिंग प्रूनिंग अच्छे से करते रहिएगा, वॉन्डरिंग ज्यू भी लग सकता है इसमें प्लांट, मेरे पास है नहीं वरना मैं आपको दिखाता, वॉन्डरिंग ज्यू की भी बहुत अच्छी कटिंग चलेगी इसमें। मनी प्लांट लगाइएगा आप इसमें, जेड और ये सब तो आपको सामने दिख ही रहे हैं। ये स्वीट पोटैटो वाइन का एक ग्रीन कलर का भी आता है, आपको मिल जाएगा, बहुत आजकल कॉमन हो गया है, तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो सारे कटिंग से लगने वाले पेड़ हैं, टेंगल हार्ट वाइन आप लगा सकते हैं। तो मैंने इतने सारे आपको ऑप्शंस बता दिए हैं, बाकी और कुछ सवाल होंगे आपको, कुछ और होंगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बस मेनली इसका सॉइल मिक्सचर का है, उसका ध्यान रखिएगा तो प्लांट आपका बहुत लंबे समय तक चलेगा, और कोई इसमें रिपोर्टिंग की भी ज़रूरत नहीं होती, ये भी मैं आपको बता दूं, 2-2, 3-3 साल तक रिपोर्टिंग की, क्योंकि ये सब स्लो ग्रोइंग प्लांट होते हैं, हम इसमें ज़्यादा खाद नहीं देंगे तो प्लांट बहुत ग्रो नहीं करेगा, तो ये सब स्लो ग्रोइंग प्लांट होते हैं, इतना विग्रसली ग्रो नहीं करते, और गर्मियों में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, सर्दियों में इन सबका डोरमेंसी का सीज़न होता है, तो मार्च के बाद इनकी हल्की हल्की प्रूनिंग कर दीजिएगा और वही एक एक मुट्ठी खाद, तो बहुत बढ़िया तरीके से चलेंगे। तो बस यही मुझे बताना था, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करिएगा। और हाँ, 1 मिनट मैं आपको अपनी पोर्चुलाका का वो दिखाता हूँ, ये देखिए मेरी पोर्चुलाका का बास्केट है, थोड़ा अंधेरा हो गया है तो आपको शायद इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो ये देखिए पोर्चुलाका का है, फुल सन में लगा हुआ है, देखिए हैंगिंग है, अब कितना हल्का है, देखिए मैं इसको हिला रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे कितना हल्का है। ये एस्फेरेगस फर्न का है, ये देखिए ये भी कितनी हल्की बास्केट है, एस्फेरेगस फर्न भी इसमें आराम से लग सकता है, देखिए कितना अच्छा, ये पार्शियल सन में आराम से चलेगा आपका एस्फेरेगस फर्न। और ये मैं आपको प्लास्टिक का भी दिखा देता हूँ, ये टर्टल वाइन की वैरायटी है, ये मैंने कटिंग से काट के लगाया था, देखिए ये प्लास्टिक का है, तो आराम से देखिए कितने हल्के हल्के ये बास्केट्स हैं। तो ये बस मुझे यही शॉर्ट में आपको बताना था, बहुत अच्छा चलेगा आप, ये अपार्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, तो ये सब बास्केट जो है आप अपार्टमेंट्स में बहुत अच्छी चलेंगी, तो आजकल थोड़ा स्पेस का कंस्ट्रेंट रहता है लोगों के पास, तो आप ये सब प्लांट बहुत आराम से लगा सकते हैं, हरियाली भी रहेगी और थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप लोगों को ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी, मनी प्लांट वगैरह लगाएंगे या ये सब प्लांट, तो आप स्टार्टिंग और बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी हैं ये सब हैंगिंग बास्केट्स, तो वो बिगनर्स में अगर किसी को लगाना हो तो वो लोग भी बहुत आराम से लगा सकते हैं। तो यही सब बस मुझे शॉर्ट से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना था कि इस तरीके का ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, बस थोड़ा सा वाटरिंग का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पानी गिरेगा तो चाहे तो 3 या 4 दिन में एक बार आपको वाटरिंग करनी पड़ेगी, तो नीचे रख के आप सारी बास्केट वाटरिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच।